पाकिस्तान से खेलने के लिए मैंने कई बड़े कॉन्ट्रैक्ट जो थे उन पर साइन करने से माजरत की, लेकिन आपको लगता है कि चिराग तले अंधेरा है, आपने जो है वो कॉन्ट्रैक्ट्स को साइन करने से माजरत की और यहाँ पर कुछ ऐसी मिसालें मौजूद हैं जो मुल्क से खेलने के बजाय लीग क्रिकेट को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं और हम उनके पीछे भाग रहे हैं? वेल, मैं ऑब्वियसली अपने उस किए का वो जो है रिस्पॉन्सिबल हूँ, बट यस आप यू आर राइट, देर आर एग्जाम्पल्स। और मैंने एक्चुअली डोमेस्टिक, अभी फिर उसी पे आऊँगा कि खेलने का मकसद यही था कि मैं अपना इंटरेस्ट शो करूँ, अपना इंटरेस्ट बताऊँ टू पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, टू द सेलेक्टर्स, के यार मेरे लिए पाकिस्तान इज़ प्रायोरिटी और आई होप के उस चीज़ को रिस्पेक्ट दी जाएगी। मैं भी चाहता तो मैं भी लीग क्रिकेट मतलब और खेल सकता था, मैं भी डोमेस्टिक क्रिकेट शायद कह देता कि मैंने नहीं खेली, मेरे ऊपर बाउंडिंग कोई भी नहीं थी, क्योंकि एवरीबॉडी नोज कि मैं T20 स्पेशलिस्ट हूँ, T20 टूर्नामेंट मैंने खेल लिया था। जानना चाहेंगे भाई कौन से कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किए, जरा वो भी बता दें। तो मेरा ख्याल है 2015 की शायद आप बात कर रहे हैं सर, ये 2014 से शुरू होता है, 2012 में एक था, 2014 में मेरे ख्याल में लेस्टर से था, देन वो कुडंट गेट NOC, फिर 2015 जो मेन जो आपने कई बार आपने भी तस्करा किया, वर्ल्ड कप से पहले मेलबर्न रेनेगेड के साथ था, आपने वो छोड़ के यहाँ पर जो है वो पेंटेन मतलब टूर्नामेंट नेशनल स्टेडियम कराची में खेला। जी, मैंने उनको कह दिया कि यार क्योंकि उस टाइम इशारे ऐसे थे कि मैं वर्ल्ड कप टीम का, वनडे की टीम का हिस्सा होऊंगा, तो म्यूचुअली मैंने और मेलबर्न रेनेगेड ने वो डिसाइडेड के। सोहेल तनवीर हमारे साथ मौजूद हैं और बात कर रहे हैं कि अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि हमारे बोर्ड के हवाले से कोई वाज़े पॉलिसी नहीं है और इस बात का बाकायदा एतराफ़ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव वसीम खान ने नेशनल स्टेडियम कराची में कुछ दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया, और उन्होंने क्या कहा वो आपको दिखाते हैं। देखिए, वो कतर वाली जो मैंने पहले भी कहा आपको कि देयर इज नो डोमेस्टिक क्रिकेट, लेकिन पहले जो हमने अबू धाबी में कंडीशनल NOC जो दी थे, दे वर बेस्ड ऑन कंडीशंस, हमने रिलक्टेंटली इशू कर दिया लेकिन दे वर कंडीशनल, तो वी डिसाइडेड टू होल्ड कैंप्स, फिटनेस कैंप्स, वी ऑब्वियसली सम ऑफ आवर प्लेयर्स वेंट टू ऑस्ट्रेलिया, वेंट अराउंड, सो वी कॉल दीस गाइस बैक। लेकिन ये कतर वाली जो मामला अभी हो रहा है, Qatar, in Qatar at the moment, as I said, there's no domestic cricket being played here. So it's free for guys to go and play. But like, yeah, NOC policy, jo hamari hai na, we just got to have clarity on it. That's something that in the next couple of weeks, we will have clarity. Players ke saath hum baithenge, we'll explain to players exactly what the NOC policy is. And we'll share it with you guys as well, so you're aware. तो ये वसीम खान कह रहे थे जनाब कि हमें मुस्तकबिल में अपनी लीग्स के हवाले से पॉलिसी जो है वो खिलाड़ियों के साथ बैठकर उसको क्लियर करना होगा। तो सोहेल, आप अपने एजेंट के साथ कैरेबियन लीग, साउथ अफ्रीका लीग, बांग्लादेश प्रीमियर लीग जो इस बार आप खेलने के लिए नहीं गए, या फिर इंग्लैंड में मुख्तलिफ लीग्स के हवाले से, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग जो 100 बॉल लीग हो रही है अभी इंग्लैंड में, उसमें भी आपका नाम है? नहीं, मैं अभी है नहीं, लेकिन चल रहा है नाम। जी हाँ, मेरी बात तो ये जो इस तरह के मामलात होते हैं तो फिर एजेंट्स आपको तंग करते हैं कि यार सोहेल पहले वहाँ से तो पूछ लो, इस तरह के मामलात का सामना करना पड़ा। ऑब्वियसली पहला क्वेश्चन उनका यही होता है, मैनेजर का नहीं होता, जो फ्रेंचाइज ओनर्स हैं या फ्रेंचाइज की जो मैनेजमेंट होती है वो कहती है कि यार मेक श्योर के प्लेयर विल बी एबल टू कम एंड प्ले, कोई NOC उसको मिल जाएगी, NOC का इशू ना हो, ये ना हो कि हम सारी चीज़ें डॉक्यूमेंटेशन कर लें और एंड पे NOC ना मिले। तो पहला क्वेश्चन डेफिनेटली यही होता है, एंड आई होप कि इस बारे में मेरी भी वसीम खान जो हैं MD उनसे बात हुई थी, तो उनसे बात हुई थी, एंड ही इज़ वेरी कीन ऑन इट कि हम मिल बैठ के कोई ऐसी पॉलिसी बनाएं। और मेरे ख्याल में उन्होंने डिफरेंट लीग्स के साथ बात भी की यार कि इंशाल्लाह फ्यूचर में इस तरह की कोई चीज़ नहीं होगी, विल कम अप विद अ क्लियर पॉलिसी कि यार इस लीग के लिए प्लेयर्स अवेलेबल होंगे और अगर होंगे तो फिर वो होंगे, ऐसा नहीं होगा कि बीच में चीज़ें जो हैं वो चेंज हों, तो विच इज़ गुड। चलें, जो हो गया पास्ट में वो हो गया, बट आई होप के PCB सीरियस अबाउट इट और वो दे विल कम अप विद अ गुड पॉलिसी जो कि प्लेयर्स के लिए भी एक्सेप्टेबल हो और बोर्ड के लिए भी एक्सेप्टेबल हो। सोहेल, अगर मैं आपसे ये जानना चाहूँ, आप जुनैद खान, मोहम्मद इरफान, वाब रियाज तो कहीं ना कहीं से किस्मत को जो है वो खींच के अपने पास लेकर आ जाते हैं, वर्ल्ड कप 2019 में कहीं थे नहीं, अचानक टीम का पार्ट बन गए, अब उन्होंने कहा कि जी मैं टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलना चाहता, मैं वाइट बॉल क्रिकेट के साथ अपने आप को एसोसिएट करना चाहता हूँ, और वी आर वेरी लकी कि श्रीलंका के खिलाफ सीरीज़ में जिस तरह की बॉलिंग हमें मिली, शाहीन शाह आफरीदी, नसीम, अब्बास, फिर उस्मान अनफिट हो गए टाइफाइड की वजह से, लेकिन हमारा जो बॉलिंग है वो काफ़ी हमें अच्छा लग रहा है। लेकिन मैं आपसे जो इस वक्त सवाल करने जा रहा हूँ वो बिल्कुल एक डिफरेंट सिनेरियो में करने जा रहा हूँ।
आप लोग जब बैठते हैं डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहे होते हैं या पाकिस्तान टीम के ड्रेसिंग रूम में होते हैं, मैं पर्टिकुलरली फास्ट बॉलर्स के हवाले से बात कर रहा हूँ, कभी आप लोगों ने ये गिला किया, कभी आप लोगों की गुफ्तगू में ये चीज़ आई कि यार जिन्होंने मुल्क के साथ नाम ख़राब किया आप तो उनके पीछे पीछे भाग रहे हैं? मैं पर्टिकुलरली मोहम्मद आमिर के हवाले से बात कर रहा हूँ क्योंकि आप भी जुड़वां शहरों से ताल्लुक़ रखते हैं, रावलपिंडी से आपका ताल्लुक़ है, फिर आमिर भी जो है वो रावलपिंडी में क्रिकेट खेले, इस्लामाबाद में क्रिकेट खेले, कि उनके साथ जो प्यार जो शफकत पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का रहा, कभी आप लोगों ने ये सोचा कि यार हम तो डोमेस्टिक क्रिकेट में अपने जूते घिस के अपना रंग काला करके अपनी कमर को जो है वो रगड़ा लगा कर हम इंतज़ार करते रहे कि पाकिस्तान से हमें मौका मिले, लेकिन आमिर के साथ जो एक सलूक रखा गया वो आप लोगों के साथ नहीं था? वेल आमिर, इन दैट केस आमिर वॉज लकी डेफिनेटली, यही कहूँगा कि ही वॉज़ लकी कि उसको आगे, मैंने जिस तरह बात की कि हम इंक्लूडिंग जुनेद भी, मैं इरफान की भी बात करूँगा कि हमें वो जो आप कहें कि बैड पैच होता है उसका मौका नहीं दिया गया, जहाँ पे भी जुनेद की एक दो सीरीज़ बुरी गई, जुनेद बाहर हो गया, इरफान का हुआ, इरफान को बाहर कर दिया गया मुझे, बट आमिर को लॉन्गर रन दिया गया, सो ही वॉज़ लकी मैं यही कह सकता हूँ। वो चाहे बोर्ड की पॉलिसी थी या सेलेक्टर्स को लगता था कि नहीं आमिर जो है वो लाजमी हिस्सा होना चाहिए, बट येस ही वॉज लकी। एंड अब बाकी उस आमिर डेफिनेटली हमारा साथी प्लेयर है, हम ड्रेसिंग रूम में इस तरह की बातें ऑनेस्टली स्पीकिंग इस तरह की बातें नहीं होती, बट दिल में ज़रूर हर किसी के ख्याल आता होगा, मैं मेरे ख्याल में तो ज़रूर आता होगा यार कि बंदा जब आप कंपैरिजन करते हैं यार कि मेरे भी दो बुरे मैच हुए, मैं टीम से बाहर हो गया, आमिर 4-6 मैच, या वहाब या एक्स वाई जेड कोई भी है उसको अगर लॉन्ग रन दिया जाता है तो प्लेयर के दिल में ख्याल आता है। सोहेल, अगर हम T20 क्रिकेट की स्पेशली बात करते हैं तो मसाइल रहे हैं हमारी टीम के साथ, क्योंकि T20 क्रिकेट में ओवर्स कम होते हैं, मुकाबला सख्त होता है, और जिस तरह अभी ऑस्ट्रेलिया में हम खेल कर आए हैं तो बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है, और ICC वर्ल्ड T20 2020 से पहले हमको बहुत ज़्यादा T20 क्रिकेट खेलनी है, इंग्लैंड में 5 T20 मैच हैं और डेफिनेटली बहुत से खिलाड़ियों का मुस्तकबिल वहाँ पर सेट होगा। आपको लगता है कि T20 क्रिकेट में आप डेथ बॉलिंग और नई बॉल के साथ बॉलिंग करने के लिए इस टीम के लिए अभी सूटेबल है? देखिए पाकिस्तान टीम का तो लेटली इशू न्यू बॉल रहा है, पुरानी बॉल पे भी इशू रहा है बट बहुत ज़्यादा नई बॉल पे इशू रहा है कि आपके पास नई बॉल पे विकेट्स लेने वाला बॉलर ही नहीं है। मैं शायद, देखिए मैं बड़ा रियलिस्टिक बंदा हूँ, अगर यहाँ पाकिस्तान टीम सेटल होती, पाकिस्तान टीम के पास बॉलर होते जो कि परफॉर्म कर रहे होते तो मैं शायद ये बातें ना कर रहा होता कि यार मैंने कमबैक करना है या मेरी जगह बनती है, बट अभी मैं वाई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक क्योंकि मुझे नज़र आ रहा है यार कि पाकिस्तान टीम में एक जगह खाली है कि जहाँ पे नए बॉल, क्योंकि मेरी स्पेशलिटी है नया बॉल, आई कैन स्विंग द बॉल, और मेरी अगर आप देखें जो मेरा पूरा कैरियर है, मेरी 340 विकेट्स हैं उनमें से जो 130 विकेट्स हैं विच इज़ मोस्ट बाय एनी बॉलर इन द वर्ल्ड वो हैं पावर प्ले में, 6 ओवर्स में, इट मीन्स के नए बॉल के साथ, तो ये दुनिया में किसी भी बॉलर्स की इतनी नहीं है। मेरे बाद जो है शायद 97-98 पे हैं सैमुअल बद्री हैं शायद, तो दैट शोज़ के मेरी स्ट्रेंथ जो है वो नया बॉल है। तो पाकिस्तान टीम में अभी यू नीड समवन हु कैन गेट विकेट्स अर्ली ऑन, और फिर डेथ बॉलिंग आपको पता है कि ऑलवेज बॉल 2 ओवर्स इन लेटर पार्ट, तो स्पॉट तो है बट वी, जैसे आपने कहा कि इतने सारे बॉलर्स हैं और कंपटीशन बड़ा टाइट है, सो लेट्स सी कि कौन से लकी बॉलर्स होंगे, लेकिन क्रिकेट काफ़ी है वर्ल्ड कप से पहले। आज का ये इंटरव्यू आपको कैसा लगा, आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। ट्विटर पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पर हमारा पेज score.jionews, और आप हमें ईमेल कर सकते हैं score@jio.tv पर। इस दुआ, इस उम्मीद, इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें, सैयद यायो सैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह।